अगर आपको कोई ऐसा नाश्ता बनाना हो जो कि एकदम ही कम तेल में बनाया गया हो, एकदम ही हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो और जिसे बनाने में बहुत ही कम मेहनत लगती हो, तो ये मिक्स वेजिटेबल मूंग दाल इडली की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इस मूंग दाल की इडली को बनाने के लिए पहले आपको चाहिए 2 कप मूंग दाल। इस मूंग दाल को आपको पानी में 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करना है ताकि इसमें जो भी डस्ट या केमिकल्स हो तो वो निकल जाए। फिर आपको इस दाल को पानी में 1 घंटे के लिए भिगोकर रखना है ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यदि आपके पास 1 घंटा अवेलेबल ना हो तो फिर आप इस मूंग दाल को गर्म पानी के अंदर तकरीबन 40 मिनट के लिए रखिए ताकि फटाफट से सॉफ्ट हो जाए। चलिए, इस मूंग दाल को पानी में भिगोए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, तो इसमें से आपको सारा पानी स्ट्रेन करना है और इस दाल को आप वापस एक बार वॉश कर लीजिए और उसके बाद हमें इस दाल को एक मिक्सर में ट्रांसफ़र करना है। अब इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1/4 कप कर्ड यानी कि दही, और बस फिर हम इसको ग्राइंड करके इसका एक बैटर बनाकर रेडी करना है। आप चाहो तो इसको अच्छे से ग्राइंड करने के लिए बिल्कुल थोड़े से पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए, अपना जो बैटर है ये बनकर रेडी हो चुका है, तो इसको आप किसी भी एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र करके रखिए। अब आपको एक पैन में या फिर एक कढ़ाई में लेना है 2 बड़ी चम्मच तेल। तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच मस्टर्ड सीड यानी कि राई, और इस राई को हम अच्छे से स्प्लटर होने देंगे। राई जब स्प्लटर होना शुरू हो जाए तब हम इसमें ऐड करना है 6 से 7 करी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ता। आप चाहो तो उन कड़ी पत्ता को तोड़ कर भी इसमें ऐड कर सकते हो। और अब इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 चुटकी हींग यानी कि एसाफोटिडा, और फिर हमें इसको कुछ सेकंड्स के लिए ही पकाना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच अदरक की पेस्ट यानी कि जिंजर पेस्ट, और 2 से 3 बारीक कटी हुई हरे मिर्च यानी कि ग्रीन चिलीज। आपको इस इडली को कितना तीखा रखना है उस अनुसार आप हरे मिर्च की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये जो इडली हम बना रहे हैं इसमें हम मसालों का इस्तेमाल नहीं करने वाले, तो जो भी फ्लेवर आएगा वो अदरक, हरे मिर्च और सब्जियों का ही आएगा। अब इसमें हम कुछ सब्जी ऐड करेंगे, तो ये मैंने थोड़ा सा गाजर लिया हुआ है जिसको मैंने ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके रखा हुआ था। अब इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ थोड़े से फ्रेंच बीन्स, थोड़ा सा कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च और थोड़ा सा मटर। आप चाहो तो इसमें थोड़ी सी पत्ता गोभी या फिर प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, तो इसमें मैंने 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया हुआ है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब इन सब्जियों को हम मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 2 मिनट के लिए भुनेंगे ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और अब सबसे आखिर में हमें इसमें ऐड करना है थोड़ा सा कोरिएंडर यानी कि धनिया, और इसको भी हम एक बार मिक्स करेंगे। अब ये जो हमारा सब्जियों का मिश्रण है इसको हम हमारे बैटर के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, और फिर इन सभी को हमें एक बार मिक्स करना है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो बैटर है ये काफ़ी गाढ़ा है, तो इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ज़रूरत के अनुसार आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते जाइए और इसका एक सेमी थिक बैटर बनाकर रेडी कीजिए। चलिए, इडली बनाने का ये जो बैटर है ये बनकर रेडी हो चुका है, तो अभी इसको ढक कर हम इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे, और जब तक ये बैटर रेस्ट करता है तब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे। अब आपको इस प्रकार की एक कढ़ाई या फिर एक स्टीमर का इस्तेमाल करना है, और इसके अंदर हम पानी को उबालने के लिए रखेंगे। इसी के साथ हम इसके अंदर इस प्रकार की एक रिंग या फिर स्टैंड भी रखेंगे, और यदि आपके पास ऐसी रिंग या फिर स्टैंड अवेलेबल ना हो तो आप ऐसी कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जब तक ये पानी उबलता है तब तक जो इडली का स्टैंड है उसको हम तेल से ग्रीस कर लेते हैं। इसको आपको तेल से अच्छे से ग्रीस करना है ताकि जब इडली एक बार बनकर रेडी हो जाए तो वो इससे बहुत ही आसानी से बाहर निकल पाए। चले, इस इडली के स्टैंड को तो मैंने तेल से ग्रीस कर लिया है, तो अब हमें क्या करना है कि हमारा जो बैटर था उसको हम 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आपने पूरे के पूरे बैटर में एक साथ इनो का इस्तेमाल किया तो जो इनो का असर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, यानी कि शुरू शुरू में आपकी जो इडली है वो फूलेगी और अच्छे से सॉफ्ट भी बनेगी, लेकिन उसके बाद यदि आप इडली बनाने जाओगे तो आपकी जो इडली है वो उतनी फूलेगी भी नहीं और अंदर से हार्ड बनेगी। चलिए, मैंने इस बैटर को डिवाइड कर लिया है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच इनो। आज से ये मैंने रेडीमेड मार्केट में जो इनो मिलता है उसका इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन इनो को आप घर पर भी बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो अगर आपको ये जानना हो कि घर पर इनो कैसे बनाया जाता है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा, मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इसमें इनो डालने के बाद हम इसके ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये जो इनो है ये फटाफट से एक्टिवेट हो जाए, और फिर इस इनो को हमें इस बैटर में फटाफट से मिक्स करना है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा देरी नहीं करनी है वरना जो इनो का असर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब जिस इडली स्टैंड को हमने तेल से ग्रीस करके रखा हुआ था उसके अंदर हम ये थोड़ा सा बैटर ऐड करेंगे। एक और बात का ध्यान रखें कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा भी बैटर नहीं डालना है क्योंकि ये इडली बाद में फूलती भी है।
अब इस इडली के स्टैंड को हमें 2 से 3 बार इस तरह से टैप करना है ताकि जो बैटर है वो अच्छे लेवल हो जाए। चलिए हमारा पानी भी उबलने लगा है तो इसके अंदर हम इस इडली के स्टैंड को रखेंगे और फिर इसको ढक कर हमें इस इडली को हाई फ्लेम पर तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पकाना है। चलिए तकरीबन 8 मिनट हो चुकी है, तब हम चेक कर लेते हैं कि जो इडली है ये बन चुकी है या नहीं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इडली काफ़ी अच्छे से फूल चुकी है, लेकिन अब पता कैसे चलेगा कि ये अंदर से पकी हुई है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए आपको इसके अंदर टूथपिक या फिर चाकू डालना है, और यदि आपके टूथपिक या चाकू साफ निकलता है तो इसका मतलब यह है कि ये जो इडली है ये अंदर से भी कुक हो चुकी है। यदि आपकी इस टूथपिक या फिर चाकू के साथ थोड़ा सा बैटर भी बाहर निकलता है तो आप इस इडली को और 2 से 3 मिनट के लिए पकाइए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो इडली है ये बहुत ही अच्छे से कुक हो चुकी है, तब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। अब इस इडली के स्टैंड को आपको पूरी तरीके से ठंडा होने देना है। यदि ये इडली का स्टैंड गरम गरम होगा और आप इडली को निकालने जाओगे तो आप इसको ठीक से निकाल नहीं पाओगे, तो इसलिए जब एक बार ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए उसी के बाद आप इसको बाहर निकालिए। तो इस इडली को स्टैंड में से बाहर निकालने के लिए आप इसके आजू बाजू इस तरह से चाकू घुमाइए, और ये लीजिए हमारी जो इडली है ये बहुत ही आसानी से निकल चुकी है। तो कैसी लगी आपको ये मिक्स वेजिटेबल मूंग दाल इडली की रेसिपी?